मेरे लिए किसी विश्वास करने लायक विषय नहीं है और मैं स्वयं आज तक के साथ ही गया था। श्री राहुल कंवर जी मेरे साथ थे और उन्होंने कई सवाल पूज्य महाराज जी से किए और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष के रूप में, संत के रूप में उन्होंने कहा कि हम तो निरंतर आगे आने वाले लगभग 40 साल तक भाजपा को ही चाहते हैं, ऐसा आशीर्वाद मेरे सामने दिया। मुझे उन्होंने रुद्राक्ष की माला पहनाई और नाश्ता बनवा करके रखे थे तो मुझे साथ में नाश्ता ले जाने के लिए कहा। मेरे गाड़ी तक, इतने वरिष्ठ होते हुए भी मेरे गाड़ी तक छोड़ने के लिए चले आए। तो वजह क्या हो सकती है, ये समझ से परे है। आनंद गिरी जी का नाम उनको हिरासत में लिया गया है, दो और लोगों को हिरासत में लिया गया है। इन लोगों ने क्या मानसिक रूप से उनको प्रताड़ित परेशान करने का काम किया? जो जांच हो रही है मैं समझता हूँ, उस पर मुझे कुछ बोलना नहीं है, लेकिन पूज्य महाराज जी के मतलब धरती को छोड़ करके जाने के ये जो भी जिम्मेदार होंगे, जो भी कारण होंगे, वह सारे कारण को जांचेंगे और जो दोषी होंगे उनको दंड। मठ के अंदर से पहले भी आनंद गिरी को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई थी लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो कार्रवाई हुई है, लेकिन अभी इस प्रकार की परिस्थिति, गुरु शिष्य के बीच में कोई विवाद होता है सरकार या पुलिस को उसमें पड़ने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन आज महाराज जी का जाना सरकार के लिए भी, मेरे लिए भी, प्रयाग प्रदेश और देश के लिए भी बहुत चिंताजनक है। उनके अंतिम संस्कार को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं? ये तो पूज्य पंच परमेश्वर जो अखाड़े के सब पूज्य संत लोग हैं वो तय करेंगे, जो तय करेंगे उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं दो दिन तक और उसका हिस्सा। आप लोग दो दिन तक रहेंगे, CBI जांच की भी मांग की जा रही है? जो मांग की जाएगी अगर जरूरत होगी तो CBI जांच के लिए भी तैयार। चलिए, बहुत शुक्रिया। उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के केशव प्रसाद मौर्य।